कुछ इस तरीके से, इसको कैरोसिन हीटर भी बोला जा सकता है, कुछ इस तरीके से इसका व्यू रहेगा और रूम हीटर के रूप में काम करता है, कैरोसिन से चलने वाला। चलाने के बारे में सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो बातें हैं वो इस तरीके से है, इसको चलाने से पहले जो नीचे इसमें बोल्ट जो लगा हुआ है इसको निकालना पड़ेगा, ये निकालना पड़ता है सबसे पहले इसको। ये ध्यान रखें कभी भी आप इसको चलाते हैं तो ये हमेशा खुला हुआ होना चाहिए, तो पहली बार हम इसको सेटअप करते हैं तो ये मोस्टली बंद रहता है तो इसको खोल लेना है। ये इसका और ये इसका बैक साइड जहाँ पाइप लगता है जो बाहर वेस्ट निकालने के लिए, कुछ इस तरीके से है। सुरक्षा संबंधी निर्देश और जानकारी इसके बारे में आपको दी जाएगी, इसको ठीक से सुने और देखें और समझें। कश्मीर में थोड़ा ठंडा ज़्यादा है तो संतरियों की ड्यूटी लगती है, तो ड्यूटी में सर्दी से बचाव के लिए सरकारी कर्मचारियों को कुछ बुखारी दी गई हैं, बुखारी कुछ इस तरीके से जिसको रूम हीटर भी कह सकते हैं, केरोसिन से चलने वाला रूम हीटर, कुछ इस तरीके से ये रहता है। इस वीडियो का उद्देश्य है कि कुछ जवान हैं, नई नफरी आई हुई है, उनको जानकारी नहीं है, गलत तरीके से इसको ऑपरेट करते हैं जिससे ख़राब होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं, ये चल नहीं पाती है। और दूसरा, सीआरपीएफ में एक घटना हो चुकी है बुखारी को लेके, तो इस संदर्भ में कुछ गाइडलाइन आए हुए हैं कि जवानों को इसको चलाने से संबंधित कुछ ठीक तरीके से ब्रीफ किया जाए और चलाने में या बंद करने में वो कोई गलती ना करें तो उनको इस बारे में बताया जाए। तो इसके कुछ एसेसरीज हैं, इसके कुछ बेसिक्स के बारे में हम जान लेते हैं। सबसे पहले देखेंगे तो इसका ये पाइप टाइप का जो लगा हुआ है जो इसमें जलता है उसका जो वेस्ट है वो निकलता है इसके पाइप के थ्रू जो बाहर की तरफ निकलता है। ये हमेशा ध्यान रखें, इसको सेटअप करते समय ये पाइप हमेशा बाहर की तरफ होना चाहिए। यहीं जब इसको हम ओपन करते हैं तो ओपन करने के बाद ये देखेंगे इसका जो फ्यूल टैंक है इसकी कैपेसिटी करीब 5 लीटर होगा। यहाँ से इसमें तेल डाला जाता है। तेल डालते समय ध्यान रहे कि बुखारी आपका चलना रहा हो और ये गर्म नहीं होना चाहिए, जो साइड है ये हीट देता है पूरा और ये गर्म रहता है काफ़ी, तो तेल डालते समय थोड़ा ध्यान में रखने वाली बात यही है, कोई कैजुअलिटी ना हो, कि जब तेल आप डालते हैं तो कुछ उसकी जो छींटे हैं वो छिटकते हैं दाएं बाएं, तो उस समय ये बंद होना चाहिए जब आप तेल डालते हैं। इसके अलावा ये दो रेगुलेटर देख रहे होंगे आप, एक ये वाला है एक ये वाला है, इसमें ये लिखा हुआ है ओपन एंड क्लोज, तो इसमें एरो टाइप का ये बना हुआ है, तो आप इसे क्लॉक वाइज घुमाएंगे यानी कि लेफ्ट साइड घुमाएंगे तो ये क्लोज हो जाएगा और राइट साइड इसको घुमाएंगे तो ये ओपन हो जाएगा। तो सबसे पहले सिंपल भाषा में कहें तो तेल को ऑफ और ऑन करने का ये स्विच ये दिया हुआ है इस रेगुलेटर को, तो जैसे ही हमको चलाना होता है तो सबसे पहले तेल हम यहीं से ऑन या ऑफ करते हैं। चलाने के लिए ऑन करेंगे जो कि ओपन साइड एरो जो दिया हुआ है जो कि राइट साइड इसको मूव करना है, ये ऑन करने के बाद ये हमने ऑन कर दिया तो देखेंगे इसको थोड़ा सा घुमा दिया, ये अभी तेल इसका ऑन हो गया है। इसके अलावा दूसरा जो देखेंगे आप इसके बराबर में जो टाइप का जो लगा हुआ है ये है स्पीड के लिए, हीट की स्पीड को इंक्रीज और कम करने के लिए, ये भी हमने करीब हाफ पे कर दिया यानी कि आधे पे कर दिया है। करने के बाद इसके अलावा इसके दो टूल्स आते हैं जो कि इस तरीके से हैं जो यहाँ लगे रहते हैं, ये इसके यूज आने वाले टूल्स हैं, इनको हम निकाल के एक बार दिखाना चाहेंगे, इसको क्लीनिंग रॉड भी बोलते हैं, निकाल के दिखाएं थोड़ा। ये दो इसके टूल्स हैं जो कि ये क्लीनिंग रॉड है, आप देखेंगे इसे साफ सफाई किया जाता है और दूसरा इसको आग लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है जो कि इसको चलाने और जलाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो अभी एक डेमो देते हैं इसको किस तरीके से चलाते हैं। हमने तेल आप देखेंगे कि हमने वो ओपन कर दिया है, तेल इसका अभी उसमें पहुँच गया होगा, तो इसको अभी चालू कैसे करते हैं वो आपको बताएंगे। तो सबसे पहले जो आग जलाने वाला है उसको हम तेल में डालेंगे, वो थोड़ा सा तेल में भीग जाएगा, भीगने के बाद माचिस से हम उसको ये सावधानी से माचिस से इसको जलाना होगा। ये ध्यान रखें कि कोई भी जलने वाला चीज़ आपके दाएं बाएं नहीं होना चाहिए, सावधानी पूर्वक इसको जलाना है। ये जलाने के बाद इसके ढक्कन को खोला जाता है, खोलने के बाद यहाँ इसको अंदर जला दिया जाता है। ये देखेंगे आप जल चुका है अंदर,
अब जो जलाने वाला था उसको बुझा दिया गया है। अब जैसे ही ये जल गया अंदर से तो इसे ढक्कन को क्लोज कर दिया जाता है। ये तो टूल्स को ये ध्यान रहे कि हमेशा बुझाने के बाद ही उसमें साइड में उसको लगाना है। ये ढक्कन हमने बंद कर दिया है। अब ये चला है नहीं चला है तो इसमें एक छोटा सा छेद दिया हुआ है। इस छेद में आप देखेंगे तो ये चल रहा है, आग जल रहा है इस तरीके से। इसका जो हीट कम और ज़्यादा है उसके बारे में हमने बता ही दिया। ये जो आपका वॉल्यूम दिख रहा है इससे हीट जो है इसे गर्म है इसको कम या ज़्यादा करने के लिए वॉल्यूम टाइप में आप यूज़ करेंगे। इसमें नंबरिंग दी हुई है, एक एक से लेके छः तक इसमें नंबरिंग दी हुई है। तो ज़्यादा हीट इसको रखने का कोई ज़रूरत नहीं है। आप हाफ में भी रखेंगे, मोर्चा में है, संतरी में है, तो आप हाफ पे भी चलाते हैं तो काफ़ी हीट प्रोड्यूस करता है, इतना एनफ है आपके लिए। और ध्यान रहे इसे बंद रूप में ज़्यादा समय लंबे समय तक कंटिन्यू नहीं चलाना है, क्योंकि ऑक्सीजन का लेवल भी थोड़ा धीरे धीरे उसका भी ध्यान मेंटेन रखना पड़ता है। तो जो आपका जो टेम्परेचर है मेंटेन हो जाए, आपको जितना गर्म चाहिए तो उसके बाद इसे आप बंद कर दें। तो ये दूसरा ये देखने में आ रहा है कि कुछ जवान ये जो लॉक है जो ऑन ऑफ करने वाला जो है इसको वो वॉल्यूम टाइप में यूज़ कर रहे हैं, जो बहुत ज़्यादा इसको खोले दे रहे हैं, तो इससे क्या है वो लॉक वो टूट जाता है। तो जिसकी वजह से इश्यूज़ आते हैं कि नहीं चल पा रहा है या कुछ प्रॉब्लम है। तो इस तरीके से थोड़ा सा ध्यान दें, हमने आपको बता दिया ये आपका ऑन ऑफ करने वाला है। चलाते समय सबसे पहले ऑन इसको करना है, तेल खोल दिया, उसके बाद जो हीट करने वाला है इसको ऑन कर देना है, फिर उसके बाद तेल लेके उसको जला देना। ये जल गया है, अब जलने के बाद ही कंटिन्यू आपका अभी ठीक ठाक तरीके से ये जलेगा। जो भी वेस्ट है इसमें जलने वाला वो आप पाइप के थ्रू बाहर निकलता रहेगा। इसके अलावा इसको मीडियम पे ही रखना है हमेशा, इसको ज़्यादा हीट पे नहीं रखना है, फुल पे नहीं रखना है, क्योंकि ब्लास्ट होने के चांसेस या हीट बहुत ज़्यादा होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो इसको सावधानी पूर्वक रखें, जो है हमेशा इसको हाफ में ही रखना है। इसके अलावा इसकी साफ़ सफाई भी की जाती है। साफ़ सफाई भी किस तरीके से होती है वो भी आपको हम बताएंगे। तो साफ़ सफाई इसका दूसरे दिन करना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये जो बताया गया इसमें चलाने संबंधित जानकारी दी गई, अब इसको बंद करने संबंधित कुछ जानकारी हम देना चाहेंगे, क्योंकि ऐसा देखा गया है तो बंद करने संबंधित भी कुछ इसमें कमियां करते हैं, त्रुटि करते हैं, जिसकी वजह से गलत तरीके से बंद नहीं हो पाता है और तेल इसका वेस्ट होता रहता है, उसमें धुआँ बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करता है, उसमें ब्लास्ट होने का चांसेस बहुत ज़्यादा होता है। तो CRPF में जो कैजुअल्टी हुई है, हम ये चाहते हैं कि इस तरीके की कोई भी कैजुअल्टी हमारे जवानों के साथ ना हो, इसलिए आपको जो गाइडलाइन बताई जानी उसको ध्यानपूर्वक देखें, सुने, और फिर भी समझ में ना आए तो इसके बारे में हमसे पूछ लें। इसके अलावा ये तो हुआ इसको चलाना किस तरीके से चलाते हैं, फिर ये आपको बताएंगे कि इसको बंद किस तरीके से किया जाएगा। तो बंद करने के लिए सबसे पहले जो तेल हमने जो ऑन किया था उसको हम ऑफ करेंगे, इस तरीके से क्लोज की तरफ हम घुमाएंगे। इसका ये क्लोज हो गया, क्लोज होने के बाद जो इसका वॉल्यूम टाइप में था इसको हम बिल्कुल एकदम जीरो पे कर देंगे। यहाँ ये जीरो पे आ गया, तो जो भी तेल वहाँ पहुँच चुका है उसमें पहुँचने के बाद वो जितना जल जाएगा, जलने के बाद वो एकदम अपने आप बंद हो जाएगा। तो अभी ये जल रहा है, जाएगा। एक जरूरी और इसमें बताना रह गया, इसमें जो आप देखेंगे फ्यूल का गेज दिया हुआ है, जो कि बताता है कि फ्यूल की जो कैपेसिटी है, जो बचा हुआ है तेल इसमें कितना है। ये इसमें मीटर टाइप का लगा हुआ है, MPT और उसके बाद फुल। तो चलाने वाले या यूज़ करने वाले इस तेल की तरफ भी थोड़ा सा ध्यान रखें कि आपका फ्यूल है, इसी मीटर से आपको एक आइडिया लग जाएगा। इस संदर्भ में एक विषय और देखा गया है कि जब ये हीट नहीं होता है तो इसके वॉल्यूम को ज़्यादातर जो जवान हैं वो फुल पे कर देते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर हीट नहीं हो रहा है तो इसका मतलब ये है अंदर का तो साफ़ सफाई का बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कार्बन जम जाता है तो उसके बाद वो ठीक से हीट प्रोड्यूस नहीं करता है। मुझे उम्मीद है केरोसिन रूम हीटर को किस तरीके से ऑपरेट किया जाता है आपको ठीक से जानकारी हो गया होगा। अभी जो इसकी ऑयल की तेल की जो सप्लाई है वो हमने बंद कर दी थी, और बंद करने के बाद आप देख रहे होंगे कि ये भी बंद हो चुका है। बंद होने के बाद अब बताते हैं इसकी थोड़ा सा साफ़ सफाई के बारे में। तो साफ़ इसको किस तरीके से किया जाता है, इसके ढक्कन को सबसे पहले हम खोलेंगे। ये खोल दिया है ढक्कन, अब ये देखेंगे हमने इसको क्लीनिंग रॉड हमने निकाल लिया है, इसको साफ़ सफाई वाला जो है इसको देखेंगे इस तरीके से। तो ये देखो कि कितना कार्बन इसमें जमा हुआ है, इसको इस तरीके से इसके निकालते हैं पार्ट्स को। ये ध्यान रहे पार्ट्स को निकालते समय जो दो इसमें लगे हुए हैं मार्शल टाइप के, जो नीचे की तरफ है वो नीचे ही लगा रहना चाहिए, जो ऊपर लगा है वो ऊपर ही लगा रहना चाहिए। ये देखेंगे आप कितना कार्बन जम गया है, ये सिर्फ एक दिन चला है, अगर ये साफ नहीं होगा तो ये ठीक से हीट होगा ही नहीं। ये कटा हुआ भाग देखेंगे, ये नीचे की तरफ लगता है इसमें, इसको साफ करके नीचे की तरफ से देखेंगे दूसरी तरफ से बहुत। तो ये देखेंगे आप किस तरीके से इसमें गंद जमा हुआ है, इसको हम निकालते हैं।
इस क्लीनिंग रॉड के थ्रू पूरा साफ़ करने के बाद, तो क्लीनिंग रॉड से ही पूरा साफ़ होता है। इसको इस तरीके से साफ करेंगे, अप डाउन प्रेस करेंगे इसको, इस तरीके से इसको साफ़ करेंगे। ये पूरा कचरा नीचे जमा हो जाएगा, उसके बाद उसको हम निकाल लेंगे। और इसके साथ साथ पूरा साफ़ होने के बाद, ये बाद में इसका भी सफाई करना होता है। यदि इसमें कार्बन जमा हो जाएगा, थोड़ा सा भी कार्बन जमा होता है, तो ये ठीक से काम नहीं कर पाता, हीटिंग प्रोड्यूस नहीं कर पाता है। इसका जो वेस्ट धुआँ है जलने के बाद, वो नहीं निकल पाए। इसलिए साफ़ सफाई बहुत ज़रूरी है, हर दूसरे दिन इसका सफाई करना बहुत आवश्यक है। देखेंगे इसमें गंद निकलता हुआ, क्योंकि केरोसिन मिट्टी का तेल जो आता है, वो जलने के बाद कुछ इस तरीके से वेस्ट इसमें रहता है, जो जमा हो जाता है। ये अगर साफ़ नहीं होगा तो ठीक से नहीं चल पाएगा। तो ये साफ़ सफाई करने के बाद दोबारा उस तरीके से इसको लगाते हुए लगाइए। ये देखेंगे नीचे की तरफ इस तरीके से सेट कर दिए। दोनों जो ऐसे ही निकली थी वो उसके अंदर सेट कर दी। इसके बाद इसको बंद कर देना है। तो इसको चलाने का तरीका, बंद करने का तरीका, इसके साफ़ सफाई करने का तरीका आप सभी समझ गए होंगे। इसके अलावा भी यदि किसी को डाउट रह जाता है तो पूछ लेना है, बगैर जानकारी के इसमें उंगली नहीं करना है।